आपके अंदर डर है ना, सो आप नर्वस हो जाओगे, आपको जो भी चीज़ आती हैं वो भी भूल जाओगे, और जो चीज़ आपको आना चाहिए एग्जाम टाइम में, जब हम आपके मन में क्लिक करना चाहिए वो क्लिक नहीं करेगा। सो इन्जॉय करके हुए पढ़ो, अरे देखी जाएगी। तो देखो बहुत रिक्वेस्ट आई थी मेरे के पास कि सर 7 और 7 को हमारा एग्ज़ाम है और उसके बाद 12 को हमारा मैथ्स का पेपर है, क्लास 10 मैथमेटिक्स। सो ये जो गैप्स रहेंगे, इन गैप्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना के हमें बढ़नी चाहिए, सो उस पर एक वीडियो बना दो प्लीज़। ठीक है, तो देखो आपको जैसे पता है क्लास 10 के दो मेन चीज़ है, बेसिक और स्टैंडर्ड। सो ये वीडियो दोनों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले देखो आप कैसी स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए। आपको देखो 7 का आप एग्ज़ाम दे के आओगे, एग्ज़ाम दे के जब आप घर पे आओगे तो आप थके हुए रहोगे। देखो जब जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है उस दिन हम बहुत थक जाते हैं, ये मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं हमारे टाइम में। सो मैं आपको बोलूँगा जब आप एग्ज़ाम दे के आओ, बिल्कुल घर पे आओ, आप 1 घंटा रेस्ट करो, खाना पीना खाओ, और जैसे ही शाम के 4 बजे या 5 बजे जब भी आपको ठीक लगे कि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, सो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, पिक योर्स ईजीस टॉपिक्स। उस दिन आपको जो आपको इजी चैप्टर लगता है, ठीक है ना, उन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगा। और सबका अलग अलग होता है, ठीक है, तो आपको अपने तरफ से ढूंढना है कि इजी चैप्टर क्या है। ठीक है, उन इजी चैप्टर को आपको पढ़ना है, जैसे कि मैं बता दूं, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, दूसरा चैप्टर पॉलीनोमियल, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। सो आप उसी दिन 4 चैप्टर को आप ख़त्म कर सकते हैं उसी दिन। ठीक है, सो उसी दिन आपको 4 चैप्टर ख़त्म कर देने, रात के 10-12 बजे तक जितने भी आप तक पढ़ते हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी जो भी होती है, मैं कहूँगा रियल नंबर, पॉलीनोमियल, प्रोबेबिलिटी और साथ में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, ये 4 चैप्टर बहुत ही ईजी हैं और आपको उसी दिन NCERT, उसके साथ साथ आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस साथ ही साथ कर लेना है उसी दिन। ठीक है, रात तक ये चैप्टर बहुत इजी हैं, आपसे यूँ आराम चुटकियों में हो जाएंगे। नेक्स्ट डे 7 तारीख हो गया हमारा, सुबह 8 बजे जब उठोगे तो मैं 8 की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जो आपके टफ सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट बोलो जो टफ चैप्टर्स हैं उनको आपको पिक करना है अब। ठीक है, उस दिन 3 चैप्टर जो आपको सबसे टफ लगते हैं मैं बोल दूंगा, अगर जो भी लग सकता है ज़्यादा ज़्यादा मैं बोलूँगा ट्राइंगल्स को आपको उसी दिन पढ़ना चाहिए, पहले आपको ट्राइंगल्स पढ़ना चाहिए, ट्राइंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस करके जाऊँ। ठीक है, ट्राइंगल्स पढ़ लो, उसके बाद आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ लो, जो आपका 12th चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसे पढ़ लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये शायद आपका 13th चैप्टर है। हाँ, और जो आपका 12th चैप्टर है वो आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये इजी चैप्टर है, इसे उस दिन इंक्लूड कर लो। ठीक है, इसे पढ़ लो सेकेंड वाले दिन। तो सेकेंड वाले दिन अगर आप हार्ड सब्जेक्ट पिक करते हैं, ठीक है, सो आपके लिए बेटर रहेगा, 3 ही चैप्टर पढ़ना है आपको। ठीक, ये आपके 8 तारीख की स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, NCERT, फटाफट NCERT निकालो, ख़त्म करो उसको। ठीक है, जो भी टफ क्वेश्चन है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो आते हैं वो तो आते ही हैं, इसको अच्छे से पढ़ो। इसको जब पढ़ लोगे तो उसी के साथ साथ जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लो, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले ही अभी कर रखे होंगे, कर रखे अच्छी बात है, एक बार ऐसे पलट पलट के देख लो, तो उससे क्या होगा आपका रिवाइज होगा, रिकॉल होगा, आपके माइंड में दोबारा वो चीज़ चलेंगी तो अच्छा हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, वो चीज़ आपके मन में बैठी रहेगी। ठीक है, 8 तारीख को इन 3ों चैप्टर को पूरा निपटा दो। ठीक है, 9 तारीख को क्या करना है आपको, ठीक, उसके बाद 10 और 11 बच रहा है हमारा, 9 तारीख को क्या करना है, जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उन सबको ख़त्म करो, जो रिमेनिंग चैप्टर हमारे बच रहे हैं वो भी इजी इजी हैं। ठीक है, इस 9 तारीख तक बाकी रिमेनिंग चैप्टर, बाकी या रिमेनिंग जो भी आप ठीक समझें, उन सभी चैप्टर्स को ख़त्म करो। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी NCERT है, NCERT पढ़ना है, उसके साथ साथ जिसमें भी आप कैपेबल हो, आप NCERT एग्जाम्पलर थोड़ा बहुत रिकॉल करना चाहें, RD शर्मा आपने पढ़ी है तो RD शर्मा रिकॉल करें, लेकिन मैं तो कहूँगा NCERT आपकी मेन प्रायोरिटी में होनी चाहिए, NCERT पूरी अच्छे से आनी चाहिए, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज, उसके साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन उसी के चैप्टर के। ठीक है, RD शर्मा पढ़ते हैं, RS अग्रवाल पढ़ते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो ज़रूर पढ़ो उनको भी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, इनको जब ख़त्म कर दो ना, तो ये हमारी 9 तारीख की स्ट्रेटेजी हो गई।
10 तारीख को जब सुबह आप उठो तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है एक सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करना है। बी ऑनेस्ट, 3 घंटे का सैम्पल पेपर सेट करो और कर डालो। देखो फिर आपसे कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, उससे क्या होगा आपकी हैबिट बन जाएगी कि क्योंकि उसी तरीके का प्रॉब्लम आपको 12 तारीख को एग्ज़ाम में आने वाला है, तो जब आप करोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, एक सैम्पल पेपर तो करना ही करना है, उससे क्या होगा कि आप 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ और स्ट्रेटेजी आपको बनाने की ज़रूरत है या आपकी में क्या कमी है वो फटाफट से पता लग जाएगा। और जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना, तो सबसे मेन चीज़ होती है सैम्पल पेपर करने से आपका जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, डर आप पे हावी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप पे डर हावी हो गया ना, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो वो क्वेश्चन आप भूल जाओगे, वो आपके माइंड में वर्क नहीं करेगा, वो चीज़ें टाइम पे क्लिक नहीं करेंगी। इसी वजह से सैम्पल पेपर करना ही है। सुबह जब आप सैम्पल पेपर ख़त्म कर लोगे, आपका तारीख क्या चल रहा है, 10 तारीख चल रहा है, सो सुबह एक सैम्पल पेपर ख़त्म करके आपको क्या करना होगा, अब आपको जब आपने इस चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको एक काम और करने होंगे साथ में कि जो आपको टफ लग रही है उनको सर्कल कर लो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत टाइम टेकिंग ले रहा होगा या आपको उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है, ऐसे 10-20 क्वेश्चन होंगे उस दिन, ऐसे 10-20 क्वेश्चन मार्क कर लेना जो आपको ज़्यादा उसको अटेंशन देने की आपको ज़रूरत है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस 10 क्वेश्चंस को आपको दोपहर के 2 बजे तक कर लेने हैं। ठीक है, 2 बजे तक आपको क्या कर लेना है, उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। और फिर दोपहर के बाद शाम से 10 बजे से आपको रिवाइज करना है सारे चैप्टर्स को, जो भी जितना कुछ आपने पढ़ा है, चाहे वो आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे आपने प्रीवियस क्वेश्चन के पढ़े हों, चाहे आपने सैम्पल पेपर कुछ किया हो, चाहे आपके पास जो भी कंटेंट मौजूद है आपके पास, उसको उस दिन कम से कम एक बार रिवाइज कर लेना है। और 11 को उठ के कम से कम 2 बार और रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चन को फिर से कर रहे हो पेन कॉपी से, रिवाइज आपको ऐसे करना है, पन्ना देखना है, ऐसे रीड करना है क्वेश्चंस को, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, ऐसे करना है, ऐसे होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है, अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, उस क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो और पेन कॉपी से अपने को यहाँ पे करो, वही बेटर होगा। फिर से सारे क्वेश्चंस कॉपी से में करने मत लग जाना, और हर टाइप का एक क्वेश्चन पेन में कॉपी करके जाना ताकि आपको एग्जाम में जाके करने की हैबिट हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप रिवाइज कर रहे होगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ ऊपर से देखते हैं, हाँ मेरे को, मैं तो कर लूँगा, मेरे को से हो जाएगा, लेकिन जब करने की बात आती है एग्जाम टाइम में तब उनसे होता नहीं, अटक जाते हैं। ये क्या होता है, ये प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर आपको आता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप एक जाके एग्ज़ाम में भूल सकते हो, ये बात गांठ बांध रखना। आपको आती है, आपको अच्छी बात है, उसको प्रैक्टिस भी करो, आपको पेन का और कॉपी का यूज़ करना ही करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन सबसे मेन मंत्र होता है स्कोर करने का, हाई स्कोर करने का। ठीक है, ये चीज़ें जब आप करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, पूरा जो 11 11 तारीख है आपका वो पूरा रिवीजन में ही जाना चाहिए। और जब भी आप रात को सोओगे, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यार मैंने आज क्या पढ़ा, आज मैंने इतने चैप्टर पढ़े थे, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था, ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था, इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आता है तो मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपके मन में चलते रहना चाहिए हमेशा। रिसाइकिल करो उन चीज़ों को जो बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा यही होगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी एक कॉपी बन जानी चाहिए, एक शीट बननी चाहिए, इस चैप्टर में ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इस क्वेश्चन में मेरे को ये करना है, ये करना है, लिखते रहो इस कॉपी में, चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये फार्मूला है, चैप्टर नंबर 3 में ये फार्मूला है। ठीक है, 3 दिन का जो भी होगा ना, अब 3 शीट बना लो। ठीक है, और जो चीज़ आप भूल सकते हो उस फटाफट उसमें नोट कर लो और चलते फिरते देखते रहो, और एग्ज़ाम में जाने तक भी अपने ये साथ ये 3 4 नोट रखो, और एग्ज़ाम में जब एंट्री करो तो वो फेंक दो। ठीक, और भी कॉन्फिडेंट रहना है, मन के भीतर डर नहीं रखना। अगर आपके अंदर डर है ना, सो आप नर्वस हो जाओगे, आपको जो भी चीज़ आती हैं वो भी भूल जाओगे, और जो चीज़ आपको आना चाहिए एग्जाम टाइम में जब आपके मन में क्लिक करना चाहिए वो क्लिक नहीं करेगा। सो इंजॉय करके हुए पढ़ो, अरे देख ही जाएगी, एग्ज़ाम में तो मैं फाड़ गया हूँगा, ऐसी सोच रख के पढ़नी है आपको। ठीक है, आपके अंदर डर रहे, अरे यार पेपर कैसे आएगा, पता नहीं स्टैंडर्ड है इस बार, बेसिक इस बार, पता नहीं मैं क्या करूँगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसा पेपर आने वाला है, ऐसा सोच के रखोगे ना तो पेपर तुम करने की बात है, वो डर आपके अंदर हावी हो जाएगा
और आपको वो अच्छे से स्टडी करने ही नहीं देगा। तो उस डर को पहले ख़त्म करो, उस डर को मारो, ठीक है। इसे ख़त्म कर दोगे सो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर बात करें लेवल की, बेसिक का लेवल बहुत ही बेसिक से रहने वाला है, बहुत ही आसान रहने वाला है, तो बेसिक वाला टेंशन मत लो। NCERT इज इनफ। अगर आपने NCERT अच्छे से की है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी मैं वही बोलता हूँ, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, NCERT आपने अच्छे से कर ली है, सो डरो मत। पेपर आपका मीडियम लेवल का रहने वाला है, टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मेरे से लिख लो आप। पेपर का लेवल मीडियम रहने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल वैसे ही रहता है जो CBSE अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च करता है, वैसे ही पैटर्न रहना है। और वो पेपर हमने देख रखा है, वो पेपर हमने सॉल्व कर रखा है। वो पेपर कैसा था? मीडियम था, मीडियम से भी थोड़ा नीचे लेवल का था, टफ तो था ही नहीं। सो डर क्यों रहे हो? डरो मत, आप अच्छा स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट। और प्रिपरेशन के लिए मैं डेली वीडियो ला ही रहा हूँ, देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।